असल स्टूडेंट्स टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर एटीन एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स हम इस चैप्टर को ऑनलाइन पढ़ेंगे बाकी जो हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी क्लास में वो वही टॉपिक रहेगा फिलहाल हम इसको एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स से ऑनलाइन अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो स्टूडेंट्स एटम एंड एटॉमिक न्यूक्लियस के बारे में जानने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि एटम क्या होता है एटम जो है एक ग्रीक वर्ड ऑटोमोस से निकला है उसके मतलब होता था इनविज़िबल पहले पहले ये समझा जाता था कि एटम जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है विच कैन नॉट बी कट डाउन या इससे ज़्यादा मज़ीद इसके छोटे पार्टिकल्स इससे नहीं निकल सकते लेकिन फिर डिस्कवरीज़ बहुत सारी इसके बहुत सारी डिस्कवरीज़ के बाद हमें यह पता चला कि एटम के मज़ीद उसके कॉम्पोजिट सिस्टम पर बना होता है मज़ीद इसको स्मॉलर पार्टिकल्स यानी प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स में भी देखा जा सकता है सो so, हमारे पास एक नया मॉडल आया जिसमें प्रोटॉन्स न्यूट न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के बारे में भी हमें पता चला सो एटम एंड एटॉमिक न्यूक्लियस के लिए आपको पता है ये आपने पहले भी काफ़ी दफा पढ़ा हुआ है केमिस्ट्री में भी आप जानते हैं कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं ये न्यूक्लियस तक महदूद होते हैं ये बाहर नहीं आते लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आउटर मोस्ट शेल के अंदर मौजूद होते हैं सो so, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को कलेक्टिवली न्यूक्लियॉन्स भी कहा जाता है और प्रोटॉन्स पर आपको पता है पॉजिटिव चार्ज होता है उसके अलावा ये कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं सो so, इसका मतलब ये है कि अगर हम इसको इस तरह से बताएं कि ये जो सिंपलेस्ट एटम अगर कोई हम देखें तो उसकी एग्जाम्पल है हमारे पास हाइड्रोजन हाइड्रोजन वो एटम है कि जिसके न्यूक्लियस में एक सिंगल प्रोटोन होता है इसलिए हम उसकी Uh, मजीद आगे हम उस पर अटोमिक नंबर्स पर बात कर सकते हैं इसके बारे में भी आपने पढ़ा है अटोमिक नंबर को जी से शो करते हैं और ये किस चीज़ के इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस फिर एक होता है एटॉमिक मास नंबर एटॉमिक मास नंबर क्या होता है प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स यानी कि न्यूक्लियॉन्स के जितनी तादाद होगी उसको हम एटॉमिक मास नंबर कहते हैं और न्यूट्रॉन नंबर क्या होता है जिसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं वो होता है इक्वल टू द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस सो द मैस ऑफ न्यूट्रॉन इज नियरलीक्ल टू दैट ऑफ प्रोटोन आपको पता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो है ये मैस तकरीबन बराबर होता है प्रोटोन इज अबाउट एटीन थर्टी सिक्स टाइम्स हैवियर दैन एन इलेक्ट्रॉन लेकिन ये इलेक्ट्रॉन से हैवी होता है प्रोटोन सो द मैस ऑफ एन एटम इज़ नियरली इक्वल टू द सम ऑफ मैसेज ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स और इसका आपको पता है कि हम अगर रिप्रजेंट करें तो हम अटोमिक मैस नंबर को ए से रिप्रेजेंट करते हैं और एटॉमिक नंबर को Z से रिप्रेजेंट करते हैं इसमें एक एग्जाम्पल भी है 18.1 ये बच्चों आपने खुद करनी है इसमें कुछ भी नहीं है उन्होंने आगे से X से शो कराया हुआ है एक सिंबल है X रिप्रेजेंट करता है किसी भी किसी भी एलिमेंट जिसका आपने फाइंड करना है अटोमिक नंबर या अटामिक मैस नंबर फाइंड करना है एक्स से रिप्रेजेंट करता है ऊपर उसके सुपरस्क्रिप्ट uh, में ए लिखा जाता है और नीचे जी लिखा जाता है ए इंडिकेट करता है अटोमिक मैस नंबर को और अटोमिक नंबर को जी रिप्रेजेंट करता है इसकी एग्जाम्पल है एटीन पॉइंट वन ये आपने खुद सॉल्व करनी है ये बहुत ईजी है इसमें सिर्फ अटोमिक नंबर और नंबर ऑफ प्रोटोन्स और अटामिक मैथ आपने बताना है हमारे इसी टॉपिक के सब टॉपिक है आइसोटोप्स तो आइसोटोप्स भी आप शायद केमिस्ट्री में पहले पढ़ चुके हैं कि आइसोटोप्स वो एटम्स होते हैं जिनके एलिमेंट्स में सेम प्रोटॉन नंबर होता है लेकिन डिफरेंट न्यूट्रॉन नंबर होता है उनकी न्यूक्लियाई के अंदर हाइड्रोजन सबसे बड़ी उसकी एग्जांपल है हाइड्रोजन के तीन हैं प्रोटियम ड्यूट्रियम और ट्रीटियम यह आपने मेरा ख्याल है केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ भी है प्रोटियम कंटेन्स वन प्रोटोन इन द न्यूक्लियस एंड वन इलेक्ट्रॉन दैट रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस हमेशा याद रखें बच्चों न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो है वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है प्रोटोन या न्यूट्रॉन नहीं ड्यूट्रियम कंटेन्स वन प्रोटॉन एंड वन न्यूट्रॉन एंड वन इलेक्ट्रॉन इसी तरह ट्रीटियम जैसे कि उसके नाम से पता है ट्राई थ्री के लिए यूज होता है इट कंटेन प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन्स एंड वन इलेक्ट्रॉन इनके सब के अलग से फिगर भी बने हुए हैं आपने इसको सेपरेटली इसी तरह बनाना है आइसोटोप्स लिखने हैं उसकी डेफिनेशन और उसके आगे से तीन एग्जाम्पल्स हाइड्रोजन की प्रोटियम ड्यूट्रियम एंड ट्रीटियम थैंक यू सो मच